डांस करते हैं पे मैंने सारा इश्क की गली जहां तेरी आहटें मिली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल YJ Vlogs। कल मिसेस तिम्मू का बर्थडे है, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं गोवा। मतलब इस बार जो हम जा रहे हैं तो हमारी पूरी फैमिली जा रही है, तो फैमिली ट्रिप है। फिलहाल तो हम तीन जा रहे हैं, सो ये बैठा हुआ है आगे और अभी हम भी टुकटुक पे बैठे हुए हैं, हमारा सामान उसमें है। अब मम्मी लोग कल आ जाएंगे, लोग एक दिन बाद पहुँच रहे हैं गोवा और हम एक दिन पहले पहुँच जा रहे हैं। तो ये देखिए यारो, ये हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। ये कुमाऊं का इस तरफ का लास्ट स्टेशन है, बस एक स्टेशन है जहां से पहाड़ शुरू होते हैं और यहीं पे आके ख़त्म हो जाते हैं। आपको पीछे दिख भी रहे होंगे पहाड़, मौसम अच्छा हो रहा है ना। एक दो दिन से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आज भी शायद सुबह सुबह बारिश हुई है, अब तो सही है मौसम। ये लोग आ रहे हैं, अंशु अंशु तो बिना मुंह हाथ धोए आ गया है। ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, पहले जब हम छोटे थे हम यहाँ पे पैदल आते थे घर से, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है बस। आजकल तो बिल्कुल 1 किलोमीटर तो छोड़ो, आधा किलोमीटर भी नहीं चला जाता। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और थोड़ी देर बाद ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन हर दिन काठगोदाम से दिल्ली जाती है, 8:45 इसकी टाइमिंग है। हेलो हेलो, बोल बैठ गए हम लोग, इसी के संग ट्रेन चलने लग गई। मिलते हैं दिल्ली। ये देखिए यारो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक नज़ारा। फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे स्टेशन बैठे हैं और हमने स्विगी से खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि हमारी भी जो फ्लाइट है वो 9:45 की है, तो लेके आते खाना पड़ रहा है। वो चम्मच भी लेके आया स्विगी वाला, तो हम लोग को हाथ से खाना पड़ रहा है। पहली बार मैं ऐसे रेलवे स्टेशन में खाना खा रही हूँ। पहले यहाँ पे अंदर मैकडी था और वहीं पर खाना भी मिलता था, मैकडी भी था, कॉस्मो भी था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है अंदर। अगर आपको यहाँ खाना खाना है तो आपको इसी तरह बाहर से मंगाना पड़ेगा, वरना बर्गर और सैंडविच यही चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये देखिए दोनों लगे हुए हैं, सारा बैग है, जा सकते हैं रेस्टोरेंट के पास। भूख लग रही है तो खाना पड़ेगा। इंडिगो हमारी फ्लाइट है अभी 9:45 की, तो बस पहुँचने वाले यहाँ पर। देखो अंशु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहा है, और मैराज जी बैठे हुए हैं। तो हमारा ट्रिप गोवा का अमेजिंग होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और ट्रेन के बिल्कुल पास, तो बैठने वाले हैं। अंशु की एक्साइटमेंट का तो कुछ कहना ही नहीं है, ओनली 2 आवर्स हमको भी लगेंगे। 2 आवर्स और तीसरी बार गोवा आए हैं, जबकि अंशु भी तीसरी बार आया है, फिर भी देखो इसको कितना खुश हो रहा है। तो हम मिलते हैं आपसे गोवा में, फ्रेंड्स बाय। अंशु को बहुत एक्साइटमेंट है, अंशु क्या हम सब दोनों को भी बहुत एक्साइटमेंट है। भले हम थर्ड टाइम गोवा जा रहे हैं, बट ऑसम प्लेस है, एंजॉय करेंगे। इस बार जो व्लॉग्स आएंगे वो जैसे हम पिछली बार जहाँ गए थे वहाँ के रिपीट नहीं करेंगे, नई नई डेस्टिनेशन पे जाएंगे हम। तो हम आपको नई डेस्टिनेशन दिखाएंगे, अभी तो बहुत बाकी है पिक्चर। दिल्ली अभी दूर है, अभी दिल्ली तो आए हैं, दिल्ली से अभी गोवा दूर है। तो यार ये देखिए 12 बज गए हैं और आज से मौका बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बर्थडे गर्ल। अंशु है पूरी नींद में, देखो अंशु, देखो इधर अंशु, मिस करा मम्मी को। तो ऐसा बर्थडे किसी ने नहीं मनाया होगा, क्या करें, फ्लाइट में ऐसे ही मनाना पड़ता है। अंशु देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये वैसे ही कट गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.
ज्यादा यम्मी है, इसको देख के तो अंशु बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर सबसे पहले ग्रेप्स खा लेता हूँ। ये हम कैंडल भी लाए थे लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो कैंडल तो जलाना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसे ही केक को काट रहे हैं। अंशु हैप्पी बर्थडे टू यू, अंशु खिलाओ मम्मा को। हैप्पी बर्थडे टू तिम्मू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे तिम्मू, हैप्पी बर्थडे तिम्मू, हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you! Happy birthday!